2000 रुपए दीजिए उसको, तरीके से खड़ी गया जो ये व्यापारी हैं बड़े ही अच्छे हैं और सपोर्टर हैं, कुछ लोग ऐसे वाले हैं तो उनको हम ठीक करने के लिए जानते हैं कैसे नहीं करना है, भैया इनको पैसे देते गरीब आदमी वापस कर दो। ये जो भी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी कर रखी हैं इनको यहाँ ला करके खड़ी कराइए और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलने दीजिए, इसीलिए इसको इन्फोर्समेंट बुक कराया जा रहा है। तो तुमको 20 बार समझाया समझ में नहीं आ रहा है। ना हो और सुचारू रूप से यातायात चले ताकि आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े, उसी के अंतर्गत पूरे जनपद में अभियान चलाया जा रहा है कि सड़क पर जो भी गाड़ियां खड़ी हैं, ठेले खड़े हैं या ई रिक्शा खड़ी हैं या लोगों ने दुकानों को आगे बढ़ा करके लगा लिया है उन सबको हटाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है और इसके उपरांत भी जो लोग नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध फिर वैधानिक कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, उनकी गाड़ियां या दुकानें या दुकानों पर जो सामान उन्होंने सड़क पर रख रखा है उनको जब्त कर लिया जाएगा और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा जाएगा। और हमारे जितने भी चौकी इंचार्ज हैं, थानाध्यक्ष हैं, थाने के जितने भी सिपाही हैं, दरोगा हैं, सबको इस काम पर लगाया गया है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण सड़क पर ना होने दिया जाए और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जाम रहित व्यवस्था बनारस को हम दें। इसी के अंतर्गत आज सभी चौराहों का, सभी प्रमुख मार्गों का भ्रमण मेरे द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे कैंट पे देखा जाए तो यहाँ पे रेलवे भी है और बस स्टैंड भी है, तो यहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहता है, यहाँ पे टोटो वाले से भी मतलब विपरीत दिशा चलते हैं, बोलने पर भी उतारू जाते हैं मार्गवा करने के लिए। देखिए यहाँ पर दो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जो भ्रमण के दौरान पाया गया कि बहुत सारी रोडवेज की बसें सड़क पर खड़ी होकर के सवारियों को लेती हैं जिसकी वजह से जाम लगता है, तो रोडवेज के अधिकारियों को आज बताया गया है कोई भी बस सड़क पर नहीं खड़ी होगी, सवारियाँ वो अंदर से लेंगी, जब बस भर जाएगी तभी वो चलेगी और वो सड़क पर खड़ी नहीं होगी। इसी तरह से ऑटो के लिए एक लेन बनाई जा रही है बैरियर लगा करके, उसी लेन के अंदर एक के पीछे एक ऑटो खड़े होंगे, बेतरतीब तरीके से नहीं खड़े होंगे ये, और वो सवारी लेते हुए चलते चले जाएंगे, जो भी लेन से हटके ऑटो यहाँ पर खड़ा होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर ऑटो की बात की थी, उसको मार्केशन कर दिया जाएगा कि वो विभिन्न विभिन्न एरियाओं में उस रंग के ऑटो चलेंगे, क्या अभी कुछ इस तरह कार्रवाई करने वाली है, हो जाए होगा? देखिए ये स्कीम अति शीघ्र लागू होने वाली है, हमारे जो बार कोड हैं अलग अलग कलर के वो तैयार हो रहे हैं, जो उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर तैयार हो जाएंगे, इसके बाद पूरे बनारस जनपद को 3 जोन में विभक्त करके ई रिक्शा के रूट निर्धारित कर दिए जाएंगे, अपने अपने रूट पर ई रिक्शा चलेंगी ताकि एक ही स्थान पर सारी ई रिक्शा नहीं आएंगी, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार हर क्षेत्र में यात्रियों को ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।